हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUET के नाम से जानते हैं, जो 2023 की जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कहां कहां पर CUET के एग्जाम एप्लीकेबल है। पहले आपको पता होना चाहिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ये एग्जाम क्या है, एप्लीकेबल है आपका। यहाँ पे फॉर्म चलेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इनमें एडमिशन के लिए आपको पहले CUET का एग्जाम क्या है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डेट है वो बता दूं। 9 फरवरी CA एग्जाम की नोटिफिकेशन आई हुई है और आप फॉर्म को अब क्या है, साइट पे जाके, यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं स्टूडेंट इस फॉर्म को? 12th मार्च 2023 तक ही केवल इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, और जो करेक्शन है वो 15 मार्च से 18 मार्च तक के बीच में होगी। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन 30th अप्रैल को आपके साइट पे, जो आपने ईमेल या फोन नंबर दे रखा है वहां पे आपके पास आ जाएगा। और डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड जो है सेकेंड वीक ऑफ मई में है, वो 21st मई 2023 को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ऑनवर्ड। यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है, अलग अलग दिन पे अलग अलग बैचेस को बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम यहाँ पे होते हैं। मल्टीपल डेट्स होते हैं और मल्टीपल शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में पर डे में ये एग्जाम आपका होता है। उसके बाद आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे पेपर होगा। तो 3 यहाँ पे आपको पेपर होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये लैंग्वेज का स्टूडेंट। अब आप चूज कौन सा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेक्शन ए को चूज करते हैं तो आपके पास 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे क्या हैं, अवेलेबल हैं। कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको लिस्ट में दिखा दूंगा। अगर सेक्शन बी को करते हैं तो वहाँ पे 20 लैंग्वेजेस हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी की बात करें, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका होगा। मान लो मुझे केमिस्ट्री में ऑनर्स करना है तो केमिस्ट्री चाहिए, या मैं फिजिक्स चाहता हूँ, या बायो या अकाउंट, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चाहते हैं। 27 डोमेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको गिवन है, अभी मैं आपको एनेक्सर में दिखाऊंगा कौन कौन से हैं। उनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर भी आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनमें क्या होगा, अगर 40 मार्क्स का है तो 35, अगर 50 है तो 45 क्वेश्चन आपको क्या है अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन थर्ड आता है जनरल टेस्ट, ये आपके हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो GK का क्वेश्चन है। इसमें क्या है स्टूडेंट, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60, मगर ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी GK मानती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी GK नहीं मानती, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर यस तो आपको ये पेपर भी देना पड़ेगा। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्टूडेंट, दीज आर द 13 लैंग्वेजेस इन सेक्शन ए, इंग्लिश, हिंदी, ये आप सारी लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे अवेलेबल है। सेक्शन बी की बात करें तो ये 20 लैंग्वेजेस आपके पास आती हैं, इनमें से जो भी आप चूज करना चाहें। उनका कोड भी आपको दे रखा है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपको कोड याद एंटर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास ये 27 सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 501 कोड है, जैसे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो जिस सब्जेक्ट में आप चूज करना चाहते हैं उसका कोड आप फॉर्म में क्या कर देंगे, भर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकता है, एक से ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली क्या है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप एक ही फॉर्म भरेंगे, उसमें आप जितने सब्जेक्ट चूज करना चाहें कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वर्किंग होना चाहिए, आपने वही मेल और वही मोबाइल नंबर देना है जिसको आप हमेशा यूज करते हैं। अगर वो अनयूज है क्योंकि उसी के ऊपर आपको सारी नोटिफिकेशन आएंगी। अगर कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ही मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जवाब दूंगा। कई बच्चों का होता है सर फीस का स्ट्रक्चर क्या है, फी का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए अलग होगा, यानी सब्जेक्ट वाइज है। 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, 7 सब्जेक्ट ले रहे हो, 10 सब्जेक्ट ले रहे हो,
उसके बारे में जब मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।